जनरल अशोक, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या ये माने कि आज भारत ने ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र जैसे ही वैसे ही आगे बढ़ेगा जिसमें समाज के हर वर्ग का, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे हम सब हो, जब हम अपना दायित्व सही से निभाएंगे तो लोकतंत्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही सही है। जिस देश में हम रहते हैं, अगर हमने अपने विकास के लक्ष्य में किसी भी हिस्से को पीछे छोड़ा तो हमारी समग्र ताकत सामने नहीं आ सकती है। और इसीलिए मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शामिल है। और मुझे उम्मीद है कि जो 2047 में हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें भी हर एक भारतीय शामिल होगा, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस चीज की बात करते रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज के उनके भाषण में उनकी जो 2047 के विकसित भारत की सोच और जो लक्ष्य है, मुझे लगता है वो पूरे देश के ऐसा लगता है जो अशोक कि वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है। लोग वहाँ पर रेनकोट्स को पहनते हुए, हल्की फुल्की बारिश ने भी इस मौसम को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया। सर प्लीज कैरी ऑन। 78वें स्वाधीनता दिवस का जो शो, प्लीज कंटिन्यू। मौसम करवट और रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा लोगों के अनुमानों को गलत साबित किया है कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन मेरी समझ से 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज वो बात कर सकते हैं। पहला मुद्दा है 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा, जो बांग्लादेश में अभूतपूर्व घटना हुई है और उसके संदर्भ में भारत में क्या डेवलपमेंट्स होंगे और भारत क्या कर रहा है, वो दूसरा मुद्दा हो सकता है। तीसरा मुद्दा हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो जम्मू रीजन को टेररिज्म में एक्टिवेट किया गया है रिसेंट पास्ट में, उस पर उनकी बात आ सकती है। और चौथा, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को मेजर अनाउंसमेंट्स जो हर आदमी को छूता हो, चाहे स्वच्छ भारत का अनाउंसमेंट पहले रहा हो, जनधन योजना का रहा हो, मुझे लगता है कि इसमें जो देश के चैलेंजेस हैं या देश का जो ड्रीम है उसको लेकर भी कोई अनाउंसमेंट अवश्य होगा। और आखिर में मुझे एज ए डिफेंस फोर्सेज का मेंबर होने की वजह से बहुत खुशी तब होगी जब आज के 5 साल पहले 15 अगस्त 2019 को उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अनाउंसमेंट किया था। अब 5 साल हो गए हैं। अगर आज की तारीख में आज उनके भाषण में उन्होंने थिएटर कमांड्स का अनाउंसमेंट किया तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और देश की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो इसमें बहुत ज्यादा विकसित करने की जरूरत है वो विकसित होना शुरू हो जाएगी। सर, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे याद आती है हर बार की वो खास तस्वीरें गौरव, जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हालांकि तमाम प्रोटोकॉल के बीच यहाँ मौजूद युवाओं के बीच जाते हैं, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स, और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण ये है कि उनका उत्साह इस बात को लेकर और ज्यादा बढ़ जाता है कि पारंपरिक तरीके से देश का नेतृत्व करने के बाद, लाल किले में ध्वजारोहण करने के बाद, अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री उन लोगों के बीच आ जाते हैं, उन युवाओं, उन बच्चों के बीच आ जाते हैं जो हर बार यहां पर मौजूद रहते हैं। और आपको इस बीच ये भी बता दूं कि जिस तरीके से पुष्प वर्षा होती है वो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आज हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद आपको बता दें जिस तरीके से उनका समापन होगा संबोधन का, उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी के कैडेट्स राष्ट्रगान तो गाते ही हैं, यही वो मौका होता है जिसके बाद वहां पर मौजूद 2000 से ज्यादा लड़के लड़कियों बीच, छात्रों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। और उसमें गौरव एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जो तिरंगा हम देखते हैं, हालांकि अभी बारिश ने खलल डाल दिया, हम देख रहे हैं लोग रेनकोट जरूर पहन रहे हैं, लेकिन इसमें खास यही है कि किस तरीके से मौसम भले ही खलल जरूर डाले लेकिन हमारे ये युवा यहाँ पर डटे रहते हैं।